And today we are going to start a new chapter in new GK book. Name is Vehicles. Vehicles are used for transporting people or things from one place to another. Name the vehicles. आज हम लोग सीखेंगे vehicles. Vehicles means एक जगह से दूसरी जगह जो transport करते हैं, यानी कि गाड़ियाँ, कोई भी different type of vehicles जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह transport कर सकते हैं. Number one is, क्या दिखाई दे रहा है आपको? इट इज़ यूज टू लॉन्च सैटेलाइट इन टू स्पेस. स्पेस में जाने वाला कौन सी चीज़ है? ये रॉकेट. सो विल राइट हियर रॉकेट. आंसर इज रॉकेट. ये सैटेलाइट में यहाँ से भेजते हैं. सेकेंड वन इज, इट इज़ यूज टू रीच द टॉप ऑफ द हिल. टॉप ऑफ अ हिल इट मूव्स ऑन अ केबल्स. ये केबल्स में से अटैच होते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपोजिट साइड में जाते हैं. जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, जैसे अंबाजी जो मंदिर आप लोग आबू अंबाजी जानते होंगे, गिरनार है, वहाँ सब ये सारी केबल्स, यानि वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए ये यूज़ होता है. सो दिस वन इज केबल कार. इसका नाम है केबल कार. वी विल राइट हियर केबल कार. थर्ड वन, इट इज़ अ वॉरशिप दैट कैन ट्रैवल अंडर वाटर. ये पानी के अंदर, यानी कि सबमराइन जो पानी के अंदर रहता है, जैसे फिश कैसे पानी के अंदर होती है, वैसे ही ये एक शिप है, वॉरशिप है, जो शिप में यानी मीन्स कि दरियों में यानी सी में जो फाइटिंग होती है, लड़ाइयाँ होती है, वार होते हैं, उसमें ये इसके अंदर हमारे सोल्जर्स जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं और ये पानी के अंदर रहता है. सो दिस नेम इज, इट्स नेम इज सबमराइन. यहाँ पर लिखेंगे सबमराइन. फोर्थ वन इज, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ओवर स्नो. स्नो मीन्स जहाँ पर बहुत बर्फीली जगह होती है, वहाँ पर गाड़ियाँ तो नहीं चल सकती. सो वहाँ की अलग से एक, वहाँ का जो स्पेशल व्हीकल है वो है स्लेज. क्या है? स्लेज, जो बर्फ के ऊपर आराम से स्लिप होके आगे बढ़ता है. पीपल कैन लिव इन इट When they travel, हम लोग अगर कहीं दूर ट्रैवलिंग करते हैं, जो मोस्टली ज़्यादातर जिनका काम ही ऐसा हो ट्रैवल्स करने का, वो ऐसे कार को लेके घूमते हैं जिसके अंदर ही सब कुछ होता है. बेडरूम यानी किचन, वॉशरूम, सब कुछ इसी के एक छोटे से कार के अंदर सब कुछ होता है. उसका नाम है कैरेवन. क्या नाम है? कैरेवन. ये एक टाइप का वैन होता है जो आप ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि अपनी सारी चीज़ें, किचन वगैरह, अंदर आप सो सकते हो, आप वॉशरूम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यानी नहा सकते हो, कुकिंग कर सकते हो. ओके, ये ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है. सिक्स्थ वन इज, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स. क्या है ये? सैटेलाइट ट्रक. इट्स अ टाइप ऑफ अ ट्रक जिसपे सैटेलाइट सेट किया हुआ रहता है. ये मोस्टली न्यूज़ वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग लाइव जो वीडियो हमको दिखाते हैं न्यूज़ में कि लाइव चल रहा है, वो इस सैटेलाइट के हेल्प से हमको डायरेक्टली हमारे घर पे दिखाई देता है. यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर बुक, पेज नंबर 42. नाउ फन टाइम, ट्राई इट. कलर द पिक्चर, नेम द व्हीकल. इसको आपको कलर करना है और यहाँ पर लिखना है एम्बुलेंस. ये आपको क्या दिखाई दे रही है? एम्बुलेंस. यू हैव टू कलर दिस पिक्चर. नेक्स्ट वन इज, मैच द रोड साइंस आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू पीपल हु आर ड्राइविंग व्हीकल्स ऑन द रोड. मैच द रोड साइन विद इट्स मीनिंग. इसमें क्या बोला गया है? ये डिफरेंट टाइप की साइंस है जो व्हीकल यूज करते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं रोड पे, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इसके जो नीचे नाम दिए हुए हैं उसके साथ हम लोग इसको ऑप्शन को यहाँ पर मैच करेंगे. फर्स्ट वन इज, क्या है? रेड मार्क, रेड सर्कल के अंदर पी लिखा हुआ और ऊपर क्रॉस लाइन है, तो ये क्या है? नो पार्किंग. तो यहाँ पर लिखेंगे बी, नो पार्किंग. जहाँ पर ऐसे बोर्ड लगे हुए रहते हैं वहाँ पर हमको पार्क नहीं करना चाहिए. अगर आप वहाँ पर पार्क करोगे तो पुलिस वाले आके आपकी गाड़ी को उठा के लेके जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस वाले जो आते हैं वो उठा के लेके जाते हैं. सो वी शुड नॉट पार्क बिफोर दिस साइन. सो वी विल राइट हियर बी, नो पार्किंग. सेकेंड वन इज सी. सो इसका नाम है स्कूल जोन. यहाँ पर एक ट्रायंगल के अंदर दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर इस साइन का मतलब ये होता है कि इस रोड पे स्कूल है, सो आप लोग धीरे से अपने व्हीकल को चलाते हुए जाइएगा. थर्ड वन इज नो लेफ्ट टर्न. एक सर्कल है, उसके अंदर एक एरो है लेफ्ट साइड में, ऊपर रेड मार्क है क्रॉस में. सो नो लेफ्ट टर्न, आपको लेफ्ट टर्न नहीं लेना है आगे से. ओके किड्स, कंप्लीट दिस इन योर बुक. बाय.